आइए बात करते हैं एग्जाम्पल 10 की, ठीक है। एग्जाम्पल 10 अगर आप सही से देखें तो लिखा हुआ बेटा साइन 3 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है बेटा 30, और साइन 30 की वैल्यू हमें आती है। फिर लिखा हुआ बेटा sec पाई बाय 3 विच इज 60, तो sec 60 की वैल्यू भी हमें पता है, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। माइनस 4 साइन पाई 5 पाई बाय 6, ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमें याद नहीं है। और जब याद नहीं होती तो मैंने आपको बताया था पाई पर और पाई बाय 2 पर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ऐसे दो एंगल में ब्रेक करेंगे जिससे कि हमें वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए कॉट कॉट पाई बाय 4, इसकी वैल्यू पता है, मतलब सब कुछ हमें पता है एक्सेप्ट दिस। यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, 11th वाला। तो मैंने क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ज़रा देखिए 3 बेटा साइन 30 कितना होता है 1/2, sec 60 कितना होता है बेटा 2 होता है पक्का, माइनस 4 बेटा अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू तो पता है, ये कितना होता है बेटा 1, कुछ है ही नहीं। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई बाय 6, देखो माइनस करने के बाद यही चीज़ आ रही है, नहीं आ रही है। अब हमने सीख गए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में हमने किया, तो इतना कम से कम आपको आ जाना चाहिए, और अगर अभी नहीं आता तो फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। 2 से 2 बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4। साइन बेटा आपको पता है 180 पर पाई पर चेंज नहीं होता है, और 180 में से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बेटा जब आप पाई में से कुछ माइनस करोगे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा ये क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसीलिए क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 6। अब 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो यहाँ पर आ गया बेटा 3 माइनस 4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बेटा 3 माइनस 2, आंसर क्या आ गया बेटा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताइए कोई दिक्कत, इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन।